ये प्रकृति का मनोहर दृश्य शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे पसंद ना करता हो। हम मनुष्य हैं, हमें पानी तो चाहिए साफ, लेकिन हम नदियों में गंदा पानी ही छोड़ेंगे। हमें गलियां तो चाहिए साफ, लेकिन हम गलियों में ही थूकेंगे, कचरा गलियों में ही डालेंगे। हमें ऑक्सीजन तो चाहिए भरपूर मात्रा में, लेकिन एक भी पौधा हमसे लगता ही नहीं। हमें चिड़ियों की चहचहाट तो सुननी है, हमें मोरों का नृत्य तो देखना है, लेकिन हम उनको अपनी जगह से हटाने में पीछे नहीं चूकते। हमें चिड़िया तो चाहिए, हमें प्रकृति का हर सुख तो चाहिए, लेकिन हमें करना कुछ भी नहीं है। हम चाहते तो हैं कि हमें शुद्ध वातावरण मिले, लेकिन अशुद्धता करने में हम कहीं भी पीछे नहीं। हम चिड़ियों का घर बार उजाड़ कर अपने लिए सुंदर सी कोठी बनाते हैं। हम 10x20 के कमरे में बसर नहीं कर सकते, हमें तो कम से कम 2 बीघे का महल चाहिए होता है। तो जब हम दूसरे का घर ही उजाड़ रहे हैं, हम पूरे पर्यावरण का नाश ही कर रहे हैं, तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि हम एक सुखद पर्यावरण का अनुभव भी कर सकते हैं। आज के दिवस को शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो, लेकिन आज के दिवस के लिए जागरूकता शायद ही किसी एक व्यक्ति में है। शायद इसीलिए लोग प्रकृति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं और पर्यावरण असुरक्षित होता चला जा रहा है। कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन की किल्लत उठाई है और तब उन्हें शायद पेड़ों का महत्व पता चला है, लेकिन फिर भी पेड़ लगाने का महत्व शायद ही किसी को आया हो। पर्यावरण से हमें चाहिए तो हर चीज, लेकिन हम उन्हें कुछ देना नहीं चाहते। हम अपने पर्यावरण को संरक्षित नहीं करना चाहते, हम उसके बारे में एक बात भी सुनना नहीं चाहते। चाहे कोई कितना भी बड़ा संगोष्ठी करे, चाहे मैं कितनी भी अच्छी वीडियो बनाऊं, हम इसके बारे में सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें पर्यावरण से लेना देना कहाँ है, हमें तो अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं। लेकिन ये दिवस अपने आप में जागरूकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आज से आपने इस दिवस की महत्वता को नहीं समझा, तो आने वाली पीढ़ियों में पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण दिवस मनाने का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि पर्यावरण इस तरीके से दूषित हो चुका होगा कि सुखद पर्यावरण होता क्या है शायद हम ये भूल चुके होंगे। तो आज के दिन इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्यावरण दिवस हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम इस धरा में आए हैं। हमारे लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, उतना ही पर्यावरण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम ना चाहते हुए भी धुआं, यानी कि जब हम गाड़ियां लेकर निकलते हैं तो धुआं निकलता है, हम ना चाहते हुए अपने गाड़ी घोड़े का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे पास गाड़ी है। हम कभी भी साइकिल से चलना पसंद नहीं करते, हमने वातावरण के लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ सोचा है तो अपने लिए। और यदि इसी तरह हम स्वार्थी होकर अपने लिए सोचते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा भविष्य एक गर्त में चला जाएगा और हम पीढ़ियों दर पीढ़ियों उस अस्वस्थता का सामना करेंगे जिसकी कल्पना शायद 2-3 साल पहले आपने कोरोना महामारी में की। मनुष्य प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए न जाने लाखों रुपए खर्च करके कहां कहां जाता है कि वो प्रकृति के मनोरम दृश्य देख सके, लेकिन वहीं अपने घर को बड़ा और सुंदर बनाने के लिए प्रकृति का, वन का और पेड़ पौधों का नाश करने में चूकता नहीं। न जाने आज कहां कहां सोशल मीडिया पर आप जरूर देखेंगे कि लोग 2-4 पेड़ पौधे लगाकर फोटो डालना नहीं भूलेंगे, लेकिन वो पेड़ पौधे वास्तव में बड़े होंगे, उनकी कोई सुरक्षा करेगा या नहीं, ये कहां नहीं जा सकता। या यूं कहें कि कहना बिल्कुल असंभव है कि जितने भी पेड़ पौधे आज के दिन दिखावे में लगाए जाते हैं वो सब सुरक्षित ही रहेंगे। हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया जानने का यही मौका है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट अनुष्का गुप्ता JDF लाइव में आज के दिन, वैसे तो आज का दिवस यानी कि 5 जून इतना खास है कि मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज के दिवस के बारे में शासन से लेकर प्रशासन तक और आम आदमी भी जागरूक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। पर्यावरण का महत्व हमारे जीवन में कितना ज्यादा है ये बात अब बताने की आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि जीवन में
ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए कोरोना काल में न जाने लोगों ने कितने लाखों रुपए खर्च किए, और कुछ लोग तो अपने आवास को बदलकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवास करने के लिए आए। जब बात स्वास्थ्य की आती है तो व्यक्ति गांव में तो क्या पेड़ की टहनी पर रहना पसंद करने लगता है, लेकिन यदि बात सुरक्षा की करें तो कहीं ना कहीं वो इतना लापरवाह है कि वो सुरक्षा के नाम पर बिल्कुल भी विचार करना नहीं चाहता। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, इसके पीछे की क्या कहानी है, मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये जागरूकता भरी वीडियोस सब तक पहुंचती रहें और लोग अपने पर्यावरण को सुरक्षित जरूर करें। वैसे तो हमारी धरा बहुत ही मनोरंजक है, विचित्र और विचित्र तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, आकर्षक पृथ्वी है, यहाँ पर एक एक फूल का अपना महत्व है। यदि हम पहाड़ी इलाकों में जाएं तो वहां सूरज की जो किरणें हरे हरे पौधों पर, पेड़ों पर और फूलों पर पड़ती हैं, उनकी खूबसूरती की कल्पना मात्र से मन में आनंद भर जाता है। लेकिन क्या हम इस आनंद को आजीवन महसूस कर सकते हैं? क्या हम इस आनंद को आने वाली पीढ़ियों को सौंप सकते हैं? तो ये सवाल हम लोगों के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह है, क्योंकि जिस तरह मनुष्य पर्यावरण को दूषित कर रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि आने वाले भविष्य में शायद हमारे लिए ये घातक सिद्ध हो और हमारे लिए जीवन जीना दूभर हो जाए। ऐसा ना हो इसके लिए आज का दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। मनुष्य को जीने के लिए हवा, पानी, खाद की जरूरत है और ये सब पर्यावरण की ही देन है। बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर एक पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो हम अपने स्वास्थ्य की कल्पना मात्र एक धोखा ही समझ सकते हैं। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को देखते हुए स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के लिए ये दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आज के दिन यानी कि 5 जून 1972 को आयोजित हुआ था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का जन्म भी हुआ था। और हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता देना है और राजनीतिक चेतना जागृत करना है और आम जनता को प्रेरित करना है कि ये पर्यावरण को सुरक्षित करने का जो कार्यभार है वो आम जनमानस का ही है। इसके लिए कई जगह पर संगोष्ठी का आयोजन होता है और विभिन्न NGO द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी ये है कि जो चीजें हैं पर्यावरण में हम उन्हें आज से सुरक्षित बनाएं और उसको बढ़ाने के लिए हम पेड़ पौधे लगाएं, प्रदूषण को कम करें, जल प्रदूषण को कम करें, जल का दोहन कम करें, मिट्टी का कटाव कम करें। किसी चीज को सुरक्षा तभी प्रदान की जा सकती है जब हम बची हुई चीज का संरक्षण करें और उसे और आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए एफर्ट करें। तो आज का दिवस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पे बहुत कुछ कहना शायद प्रकृति को परिभाषित करना होगा, जो शायद किसी के बस की बात नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। पर्यावरण संरक्षण की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर दिन कुछ खास कहता है कि इम्पोर्टेंट वीडियोस ऐसे ही रोजाना आप तक पहुंचते रहें, आपको मिलते रहें।